आप देख रहे हैं लोकसेवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में 22 सितंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाउडी मोदी रैली को संबोधित कर रहे होंगे तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी उनके साथ होंगे। जी हां, व्हाइट हाउस ने रविवार देर रात इस बात की पुष्टि कर दी है। यह कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा क्योंकि इतिहास में यह पहली बार है जब भारतीय समुदाय के 50,000 से ज़्यादा लोगों को दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के नेता एक साथ संबोधित करेंगे। उधर मोदी और ट्रंप की यह जुगलबंदी पड़ोसी देश पाकिस्तान के लिए किसी झटके से कम नहीं है, जो कश्मीर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति से मध्यस्थता की लगातार रट लगाए हुए। दूसरी तरफ ट्रंप मोदी के साथ मंच साझा करने की कुछ सियासी वजहें भी हैं, तो वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। मोदी की मेगा रैली में ट्रंप के पहुंचने की घरेलू वजहें भी हैं। दरअसल अमेरिका का चौथा सबसे बड़ा शहर होने के साथ ही ह्यूस्टन एनर्जी कैपिटल भी है। 130 करोड़ की आबादी वाला भारत ऊर्जा का सबसे बड़ा आयातक देश है और पहले से ही ह्यूस्टन से बड़ी मात्रा में तेल और गैस की लगातार भारत खरीदारी करता है। सऊदी की तेल कंपनी पर ड्रोन हमले के बाद अगर भारत की तेल सप्लाई प्रभावित तो होती है तो ह्यूस्टन से आपूर्ति बढ़ सकती है। एक और अहम वजह टेक्सास में होने वाला 2020 का चुनाव है। यहाँ भारतीय समुदाय की अच्छी खासी आबादी रहती है। ह्यूस्टन में ही 1.5 लाख से ज़्यादा भारतीय मूल के लोग रहते हैं। वैसे तो यह राज्य 1976 से ही रिपब्लिकन को सत्ता देता आ रहा है, लेकिन डेमोक्रेट्स की चुनौती पेश भी कर रही हैं और लगातार वह मजबूत होती जा रही है। ऐसे में अमेरिकी सियासत के नज़रिए से भी मोदी और ट्रंप की रैली अहम होगी। मोदी के मेगा शो में करीब 60 सांसदों में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों पहुँच सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार सुबह ट्वीट कर अमेरिकी राष्ट्रपति के 22 सितंबर के कार्यक्रम में शामिल होने के लेकर खुशी जताई है। उन्होंने लिखा, अमेरिका के राष्ट्रपति का यह फैसला भारत और अमेरिका के बीच खास दोस्ती का संकेत है। पीएम ने ट्वीट में कहा कि ह्यूस्टन में मेरे साथ अमेरिकी राष्ट्रपति का मौजूद होना अमेरिकी समाज और अर्थव्यवस्था में भारतीय समुदाय के योगदान को मान्यता देता है। उन्होंने कहा कि 22 को ह्यूस्टन में आयोजित कम्युनिटी प्रोग्राम में डोनाल्ड ट्रंप भी होंगे, इससे काफ़ी खुश हूँ। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए काफ़ी उत्साहित हैं और इसको लेकर वह काफ़ी उत्तेजित भी हैं। ह्यूस्टन के NRG स्टेडियम में होने वाला इस मेगा इवेंट में 50,000 से ज़्यादा इंडो अमेरिकन लोगों के आने की संभावना है। इतने रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं। इसके संबंध में व्हाइट हाउस की मीडिया सचिव स्टेफनी ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि मोदी और ट्रंप की यह ज्वाइंट रैली भारत और अमेरिका के रिश्तों को मजबूत करने का अहम मौका होगी। व्हाइट हाउस ने बताया है कि PM ऑफिस की तरफ से ही इसके लिए न्योता दिया गया था। 2014 में PM बनने के बाद ह्यूस्टन इवेंट भारतीय अमेरिकियों को संबोधित करने का PM मोदी का तीसरा बड़ा कार्यक्रम होगा। मई में दोबारा चुने जाने के बाद अमेरिका में यह इस तरह की PM मोदी की पहली रैली है। इससे पहले 2014 में न्यूयॉर्क में मेडिसन स्क्वायर में 2 कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जबकि 2016 में सिलिकॉन वैली में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। दोनों ही इवेंट में 20,000 से ज़्यादा लोग शामिल हुए थे। ऐसा पहली बार होगा कि US में कोई अमेरिकी राष्ट्रपति एक साथ हजारों इंडो अमेरिकन भारतीयों को संबोधित करेगा। US में भारतीय राजदूत हर्षवर्धन ने इस इवेंट को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया है। आपको बता दें कि हाउडी शब्द अंग्रेजी के हाउ डू यू डू का शॉर्टकट फॉर्म है। साउथ वेस्ट US में यह शब्द काफ़ी चलता है। ट्रंप और मोदी के बीच की केमिस्ट्री कमाल की है। अधिकारी बताते हैं कि निमंत्रण मिलने के तुरंत बाद ट्रंप ने इसके लिए हामी भर दी थी। यह दोनों के बीच की इस साल की तीसरी मीटिंग होगी। मोदी और ट्रंप पिछले ही महीने फ्रांस में G7 समिट के दौरान मिले थे। भारत G7 का हिस्सा नहीं है, लेकिन मोदी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने विशेष अतिथि के रूप में बुलाया था। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोकसेवा न्यूज़।